हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपका। आज आपका वीडियो है क्लास 12 का रसायन विज्ञान से, सेकंड पेपर चालू किया गया है और इसका लेक्चर 1 है। पहला लेक्चर इसका पढ़ाया जा रहा है आज। आपका जो पाठ है वह है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेज। पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी सेकेंड पार्ट का हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरेज। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, वरना समझने में कुछ दिक्कत आएगी। देखिए, जितने भी जो हमारे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन साहब के दो प्रकार के होते हैं। एक है खुली श्रृंखला के यौगिक, ये देखिए इस तरह के कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और दूसरे आपके कार्बन होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसे कहते हैं एरोमेटिक यौगिक्स। ये आपका है एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये है आपका एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, ये है आपका ये एलिफैटिक कंपाउंड्स है और ये एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर के बना है। ठीक है, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें तीन ही कार्बन लगाएं, आप एक एक कार्बन करके कर सकते हैं। एक कार्बन है, दो कार्बन है, ये देखिए इस तरह से भी है, इस पर ये हाइड्रोजन आप लगा रहे हैं, ये यहाँ पर भी आप लगा रहे हैं। ठीक है, ये है, इन सब पर हाइड्रोजन लगा है, मान लीजिए ये। तो ये दो प्रकार के आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं खुली श्रृंखला ओपन चेन कंपाउंड्स, और ये आपका एरोमेटिक्स यानी क्लोज चेन्स होते हैं। इसमें कार्बन एक दूसरे के रिंग में बंधे हुए होते हैं, इसमें कार्बन, और इसमें कार्बन क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन एक खुले में होते हैं। तो इसी को कहते हैं एलिफैटिक यौगिक्स और इसको कहते हैं एरोमेटिक यौगिक्स। ठीक है, ये बात आपको जानना जरूरी है। साधारण रूप से इसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं इसे, ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्केन है। तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं कि जब एलिफैटिक कंपाउंड्स में, एलिफैटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलाइड परमाणु के द्वारा हो जाता है, तो इससे जो यौगिक बनता है तो उसे क्या कहते हैं, हैलो एल्केन या हैलो एरेन कहते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से हो रहा है तो हैलो एरेन कहलाएगा, और अगर एलिफैटिक यौगिक में हाइड्रोजन का विस्थापन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पर कोई हैलाइड वर्ग आ जाए, हैलाइड वर्ग को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और हैलाइड वर्ग हैलोजन वर्ग को कहते हैं, और ये हैलोजन वर्ग में कौन कौन से आपके यौगिक तत्व हैं, कौन कौन से हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है, आपके हैलोजन वर्ग के हैं। और ये हैलोजन वर्ग जब हैलोजन के ये परमाणु जब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाए, उसके स्थान पर कौन ऐड हो जाए, हैलाइड परमाणु जुड़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका CH3 था, CH4 है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, जब कोई हैलाइड परमाणु जुड़ जाता है तो इससे जो यौगिक बनता है वो आपका क्या कहलाता है, हैलो एल्केन्स कहलाता है। तो सीधी सी बात में आप कह सकते हैं ये चीज़ कि जब एलिफैटिक यौगिक में हाइड्रोजन का विस्थापन हैलाइड परमाणुओं के द्वारा होता है तो हैलो एल्केन्स बनते हैं, और जब एरोमेटिक यौगिक में हैलोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलाइड परमाणु के द्वारा होता है तो हम क्या कहते हैं, तो हैलो एरीन बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा, हाइड्रोजन निकला और उसके स्थान पर हैलाइड परमाणु जुड़ा। तो एरोमेटिक में जब हैलाइड परमाणु जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे,
हेलो एरिन कहेंगे, सीधी सी बात है, हेलो एरिन, ये हेलो एरिन होगा, हेलो एरिन, ठीक है। और जब आपका एलिफैटिक यौगिक यानी खुली श्रृंखला में जब होगा, एरोमेटिक एलिफैटिक यौगिक में होगा, तो इसे कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा हेलो एल्केन होगा, ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन हो जाएगा। सच पाए नहीं सच पाए, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं और हेलो एरेन्स कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। जो ये हाइलोजन, अब देखिए क्या होते हैं कि समझ में आई बात, समझ में आएगी ना कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स किसे कहते हैं। अब आपको जानना है कि जो हेलो एरेन्स और हेलो एल्केन्स जो होते हैं, इसमें जो हाइलाइट प्रमाण होते हैं ना, ये और ये, जहाँ पर ये हाइलाइट प्रमाण जुड़ा हुआ होता है, देखिए अगला पॉइंट ये है। पहला पॉइंट आपने समझा कि जब एलिफैटिक यौगिक में हाइलाइट प्रमाण का विस्थापन हाइलाइट प्रमाण के द्वारा, यानी हाइड्रोजन का विस्थापन हाइलाइट प्रमाण के द्वारा होता है, तो हेलो एल्केन्स बनते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब हाइड्रोजन का विस्थापन हाइलाइट प्रमाण द्वारा होता है, तो एरोमेटिक में जो होगा तो क्या होगा, हेलो एरिन होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको हेलो एरिन, हेलो एरिन बनता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो है हेलो एरिन का, और इसमें क्या होता है कि जो आपका हाइलाइट प्रमाण होता है ना, ये हाइलाइट प्रमाण एलिफैटिक यौगिक में sp3 हाइब्रिडाइज जो एल्कल समूह होता है, उससे ये हाइलाइट प्रमाण जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो आपका एरोमेटिक हेलो एरिन होते हैं, उसमें जो आपके संकरण होते हैं, जहाँ पर हाइलाइट प्रमाण जुड़ा हुआ होता है, वह जो एल्कल समूह या आपका जो कार्बन है, वह किससे जुड़ा हुआ होता है, sp2 से, ठीक है। जहाँ पर ये हाइलाइट प्रमाण जुड़ा होगा, वह आपका हाइलाइट प्रमाण किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बनिक श्रृंखला से, कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये किससे जुड़ा होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। जहाँ पर भी हाइलाइट प्रमाण जुड़ेगा, वो वहाँ पर sp3 होगा और यहाँ पर आपका sp2 होगा, ठीक है। तो ये बात आपकी NCERT बता रही है, तो ये बात आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, आपने देखा हेलो एरिन हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हाइलोजन और एल्केन के यौगिक को हेलो एल्केन्स कहते हैं। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है, क्लियर। अब देखिए अगला जो होता है वह देखिए कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स हमारे जीवन में बहुत ही इसका लाभ है, बहुत ही लाभ है, औद्योगिक दृष्टि से भी इसका बहुत ही लाभ है। जैसे आपने सुना होगा कि आपकी एक दवा है क्लोरेम्फेनिकाल, जो क्लोरेम्फेनिकाल होती है, मिटाल देना इसे, चलो तो देखिए ये हेलो एल्केन्स जो होता है, ये जब माइक्रो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो उत्पादित होता है, यानी इसका जो हेलो एल्केन्स जो हमारे यौगिक है, इसका बहुत ही उपयोग है। ये देखिए क्लोरेम्फेनिकाल एक है, क्लोरेम्फेनिकाल जो होता है ये क्लोरीन युक्त है, आपका क्लोरीन युक्त है और ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसका बहुत ही उपयोग बढ़ चढ़ के उपयोग हो रहा है। दूसरा आपने देखा है क्लोरोक्विन भी एक आपका हेलोकेन ही है क्लोरोक्विन, और ये आप जानते हैं कि ये मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है। और जो ये क्लोरेम्फेनिकाल है, ये एक हाई एंटीबायोटिक्स है, जिसको टाइफाइड, एक जो आर्द्र ज्वर है जिसका नाम है टाइफाइड रोग, टाइफाइड आप जानते हैं जिनका रोग, ये टाइफाइड रोग है। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि टाइफाइड जो रोग होता है वो किस में आता है, विडाल टेस्ट, जब आपका विडाल टेस्ट होता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफाइड का जो मूल्यांकन होता है या डायग्नोसिस होती है, एक किस में की जाती है, तो विडाल परीक्षण होता है आपका। समझ लीजिए आपका नीट का क्वेश्चन है, आपका ध्यान में रखना है इसको, कई बार पूछा है भाई,
कई बार पूछा है कि टाइफाइड का मतलब जो है जानकारी किसके द्वारा की जाती है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन है, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरोक्विन है। इसका जो उपयोग होता है किसमें होता है, मलेरिया। आप तो जानते हैं कि जाड़ लग करके बुखार होता है, मलेरिया, मलेरियाई नामक जो होते रोग फैलाने वहाँ पर नहीं जाएंगे, ये आप जाने कि मलेरिया से मतलब होता है मलेरिया। क्लोरोक्विन का दवा किसमें प्रयोग किया जाता है मलेरिया में। एक है हैलोथेन, हैलोथेन का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में या सर्जरी के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है हैलोथेन का। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैलोएल्केन्स है, हैलोएरिन है, इनका उपयोग बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें काफ़ी विकसित की गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपका था प्रस्तावना, आपका इंट्रोडक्शन था, किस तरह से आपके ये हैलोएल्केन्स काम में आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि हैलोएल्केन्स बनाने की विधि क्या है, किस तरह से हैलोएल्केन्स को कितने भागों में बांटे, जो हाइलाइट्स परमाणु के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। अब देखिए क्या है कि वर्गीकरण, अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलाइट्स, हाइलाइट्स के नंबर के अनुसार इसको देखिए, एक हाइलाइट्स परमाणु है तो मोनो हाइलाइट्स, तो मोनो हाइलाइट्स कैसे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका एल्केन समूह है, एल्केन है, इनमें जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा उसके स्थान पर एक एक्स आ जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन। मोनो माने एक, हैलो माने हाइलोजन और एल्केन, मोनो हैलो एल्केन्स हो जाएगा जब इसमें एक हाइलाइट परमाणु जुड़ेगा। ठीक है, जब इसमें देखिए एक कार्बन है आपका, इसमें देखिए आपके चार संयुक्ताएं होती हैं, यहाँ पर देखिए जब इसमें दो हाइलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो इसे क्या कहते हैं, डाई हाइलो एल्केन्स। अब इसका नाम हो जाएगा डाई हाइलो एल्केन। ठीक है, जब इसमें तीन कार्बन, देखिए इसमें जब तीन है, ये एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये जब इसमें तीन हाइलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा, ट्राई हाइलो एल्केन्स, दैट्स नोन एज ट्राई हाइलो एल्केन, ये हाइलोजन। तो क्या होता है कि आपको हाइलाइट्स परमाणु के बेस के आधार पर ये मोनो हाइलाइट्स, डाई हाइलाइट्स, ट्राई हाइलाइट्स, टेट्रा हाइलाइट्स और पॉली हाइलाइट्स, पॉली का अर्थ ही होता है बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी विटामिन जैसे कहते हैं, मल्टी विटामिन फेरन वाले मल्टी विटामिन, ऐसे इसमें मल्टी, जब संख्या एक होगी तो मोनो हाइलाइट, मोनो हैलो एल्केन्स, डाई हैलो एल्केन्स दो बार है, दो हाइलाइट्स परमाणु है, यहाँ पर तीन है ट्राई हैलो एल्केन्स, इसी को मल्टी हैलो एल्केन्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें संख्या में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से हैलोएरिन में क्या होता है, देखिए मैंने बताया कि हैलोएरिन में क्या होता है, इस तरह से होगा, जहाँ पर ये एक्स अगर जुड़ा है, एक ही एक्स जुड़ा है तो क्या होगा, मोनो हैलो एरिन होगा, इसका नाम है मोनो हैलो एरिन, मोनो हैलो एरिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दो समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी जुड़ा है और आपका एक हैलाइड्स यहाँ है और एक यहाँ है तो क्या होगा, डाई हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन। और जब आपका
तीन परमाणु जुड़ेगा इस तरह से कह सकते हो आप, या आप इधर भी लगा लीजिए ऐसे। जी हाइलाइट्स हो गए ना, तो एक दो तीन, तो इसे कहते हैं ट्राई हैलो एरिन। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस तौर पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइलाइट एटम्स, हाइलाइट परमाणु के द्वारा या हाइलाइट के द्वारा जुड़े हुए परमाणु के आधार पर इसको आप इस तरह से मोनो हाइलाइट, डाई हाइलाइट और ट्राई हाइलाइट में कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप जो है पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स, यहाँ पर देखे आपने देखा है एक दो तीन चार कार्बन जुड़े हैं, तो इसका आईपीएससी नाम क्या है? इसका आईपीएससी नाम अभी हम आपको पढ़ाएंगे आईपीएससी में, हालांकि बताएंगे आपको कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम आप यहाँ बता रहे हैं कि इसका नाम मेथेन है। क्या है ये? आपका मेथेन है। लेकिन जब यहाँ पर इसको निकाल दिया गया और एक्स जोड़ दिया गया तो ये एक प्रकार का एल्केन था, क्योंकि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन कहलाता है। तो एल्केन तो है, लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन एक कम हो जाते हैं तो एल्केन के स्थान पर इसको एल्किल बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या बोलते हैं? एल्किल। और एक्स आपका हैलाइड है, यानी इसको आप एल्किल हैलाइड्स भी कह सकते हो, और एल्किल को आर से और एक्स को हाइलाइट बोलते हैं, तो इसको आर एक्स से प्रदर्शित भी किया जाता है। यानी एल्केन को किससे? आर से, और हैलाइड को एल, और बीच में आप बॉन्ड लगा देंगे तो ये आपका एक एल्किल हैलाइड्स है। हेलो एल्केन्स क्या है? वन टाइप ये एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, अब हम लोग इसके एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधि पढ़ेंगे कि किस तरह से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।